नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20th वीडियो है ये स्पेक्ट्रम की सीरीज की। क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया ये जो मराठास थे, माइटी मराठास, इतने पावरफुल जिनको बोला जाता था, गोरिल्ला वॉरफेयर में एकदम परफेक्ट, इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े इलाके में इनका कंट्रोल था, ये हार कैसे गए, इनके हारने की वजहें क्या थी, इन वजहों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब मराठा के हारने की वजहों को एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, तो हम लोग एक मैक्रो फिगर को देखेंगे, माइक्रो फिगर को नहीं। मैक्रो माइक्रो के बीच का फर्क जानते हैं ना। माइक्रो मतलब जो हम छोटे लेवल पे देखते हैं, मैक्रो मतलब जो हम एक बड़े लेवल पे देखते हैं। तो अगर आप मराठास के ओवरऑल लॉस को देखना है कि कैसे ये एंड में हारे, तो आपको बहुत ज्यादा मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा और बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अंग्रेजों ने सिंध की प्रोविंस पे कैसे कब्जा किया। सिंध एक बहुत ही रिच प्रोविंस है और एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंध प्रोविंस का, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिंध आपका पाकिस्तान में आता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। बहुत रिच प्रोविंस थी दोस्तों, अरेबियन सी के साथ इसका कोस्ट था, जबरदस्त ट्रेड बहुत होता था यहाँ पे, बहुत ही फर्टाइल लैंड था, यहाँ के जो लोग थे काफी अमीर हुआ करते थे। आज भी देखोगे कि सिंध प्रोविंस के जो बिजनेसमैन है काफी अमीर होते हैं। वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालत बहुत खराब है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हो पा रहा, बट सिंध इज अ वेरी रिच प्रोविंस। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की शुरुआत होगी, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे राइस ऑफ तालपुरा अमीर। सुना है ना अमीर ऑफ सिंध, तो राइस ऑफ तालपुरा अमीर को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वही बात हमेशा की, आई होप आपने किताब खरीद के अपने सामने रख ली होगी, मेरे साथ आप बैठ के पढ़ रहे होगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों शेयर का बटन जरूर दबा दें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और एक सवाल है आपसे, पता नहीं यार क्यों मेरे जो मॉडर्न हिस्ट्री की और लक्ष्मीकांत की जो वीडियोस हैं, इनका जो एवरेज वॉच टाइम है वो बहुत कम है। इनका एवरेज वॉच टाइम 3.5 मिनट से लेके 4 मिनट के बीच में होता है। वहीं पे अगर आप मेरे जो डेली एडिटोरियल की वीडियोस देखेंगे, उनका जो एवरेज टाइम होता है वो 8 से 9 मिनट होता है। तो अब देखिए, 8 से 9 मिनट एक एवरेज टाइम काफी अच्छा एवरेज टाइम माना जाता है यूट्यूब में, ठीक है। किसी भी एक वीडियो पे 8 से 9 मिनट तक एक पर्सन रुके वो बड़ी बात है। तो चलिए, एडिटोरियल की वीडियोस पे तो वॉच टाइम काफी ठीक है, जो एक एवरेज व्यू टाइम है। लेकिन यार ये स्पेक्ट्रम की और जो लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है, इस पे वॉच टाइम यार 3.5 मिनट से 4 मिनट होना, ये थोड़ा मुझे खटक रहा है। अब अगर मैं 30 मिनट वीडियो बना रहा हूं, तो 8-9 मिनट तो कम से कम आए एवरेज वॉच टाइम। ये मान सकता हूं कि सब लोग पढ़ने वाले नहीं है, बट फिर भी मतलब थोड़ा, अगर 3 से 4 मिनट ही एवरेज वॉच टाइम आना है, तो यार मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊं, फिर 30 मिनट की वीडियो क्यों बनाऊं, इसके बारे में थोड़ा आप लोग बताइए मेरे को। क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग वीडियो को ऑफलाइन शेयर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं? आप कर भी लेते हो तो बेटर है, बट मैं इस पैटर्न को नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कम एवरेज व्यू टाइम क्यों आ रहा है। बस मैं इस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कैसे भी पढ़े, अगर आप ऑफलाइन में सेव करके पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में बताइए कमेंट में अगर आपको पता हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारी वजहें आपको समझ में आएंगी मराठास के हारने की। सबसे पहली वजह आपको समझ में आ रही, इनेप्ट लीडरशिप। दूसरा, डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। तीसरा, लूज पॉलिटिकल सेटअप। चौथा, इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम। पांचवा, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। छठा, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेशन एस्पियोनाज। और सातवा, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनेप्ट लीडरशिप की। यहां पे बोला जा रहा है कि भैया मराठा स्टेट की लीडरशिप इनेप्ट थी। देखिए दोस्तों, अब लीडरशिप की आप बात करेंगे तो शिवाजी जैसे लीडर्स रहे, बालाजी विश्वनाथ जैसे लीडर्स रहे दोस्तों, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, ये सब जबरदस्त, इवन माधव राव वन, बहुत अच्छे लीडर्स थे ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है मराठा स्टेट के साथ, मराठा स्टेट वॉज डेस्पोटिक इन कैरेक्टर। डेस्पोटिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो उसका रूलर है उसकी पर्सनल क्वालिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि वो राज्य कैसा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुगल एम्पायर को देखो, उसमें अकबर था, अकबर एक एफिशियंट रूलर था, तो भाई उसने राज को कंसोलिडेट किया, एक ताकतवर मुगल एम्पायर बनाया। एंड में आप जाके देखो कि जब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब और जहांगीर शाहजहां के टाइम की मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों, इन समय पे मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, हालांकि ये रूलर्स भी अच्छे थे, अकबर तो एक अलग ही लेवल पे था। बाद में आप देखोगे बहादुर शाह आएंगे और मोहम्मद शाह रंगीले आते आते जो लीडरशिप हो जाएगी, मुगल लीडरशिप, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी। और लीडरशिप के बर्बाद होने के साथ साथ जो स्टेट होगा वो भी डिग्रेड होने लगेगा। वही चीज मराठा में थी। मराठा में जब लीडरशिप अच्छी है तो भाई मराठा स्टेट इज गुड। तो चूंकि वो डिस्पोटिक है, एक पर्सन की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसकी लीडरशिप में, तो अगर एक पर्सन जो कि लीड कर रहा है अगर तो वो अच्छा है,
देन एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर उसका पर्सनल कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अगर उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो आप देखोगे बाद में, जैसा कि स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, हालांकि अब ये बात कुछ लोगों को अंदर से हेट कर सकती है, बुरा लग सकता है, बट फिर भी ठीक है, स्पेक्ट्रम में लिखा है, पढ़ सकते हो, कि जो लेटर मराठा रूलर्स थे, खासकर बाजीराव टू ने तो क्या क्या गलतियां की, वो तो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताई है, सेकंड एंड थर्ड में एंग्लो मराठा वॉर में। तो बाजीराव टू हो गए, फिर बाद के जो सिंधिया और होलकर के रूलर्स थे, वो थोड़े सेल्फिश थे, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते थे, वो मराठा स्टेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, उनका उनके एरिया पे कंट्रोल रहे इसके बारे में वो ज्यादा सोचते थे। वहीं पे अगर आप उनके अगेंस्ट कॉम्पिटिशन देखोगे तो भैया लॉर्ड वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली, ये भाई मिलिट्री को कमांड करते थे, आर्थर वेलेस्ली को देख लीजिए दोस्तों, एल्फिंस्टन को देख लीजिए, जॉन मैल्कम को देख लीजिए, ये जो लोग थे ना, ये भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देवर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उनके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि हमको ब्रिटिश एम्पायर को एस्टैब्लिश करना है उनका, ये वो अलग बात है कि वो करप्शन करके कुछ पैसा कमाना चाहे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इंग्लिश एम्पायर को एस्टैब्लिश करना है। वहीं पर अगर आप मराठा लीडर्स की बात करो तो वो अपने लोकल एम्पायर को बचा कर रखना चाहते थे, ओवरऑल मराठा कॉन्फेडरेसी रहे या ना रहे इससे बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, ये बात बोली गई। दूसरा आते हैं भाई डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। अगर बात की जाए डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट की तो क्या है, देखिए एक स्टेट की खास क्वालिटी क्या होती है, एक स्टेट की खास क्वालिटी ये होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करता है, किस तरीके से जो लोग हैं उस स्टेट के अंदर उनके ऊपर वो नियम कानून लगाता है। अब भले ही आप देखें कि शुरुआती जो मराठा लीडर्स थे जैसे कि शिवाजी हो गए, शाहू जी हो गए, जैसा कि मैंने पेशवा का बताया, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, माधवराव, बालाजी बाजीराव, ये सब जो लीडर्स थे तगड़े थे। एक प्रॉब्लम हुई मराठा स्टेट में कि मराठा स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने स्टेट में एजुकेशन के स्प्रेड के लिए बहुत ज्यादा नहीं किया, ठीक है। दूसरा उनका जो आप कह सकते हैं ना दोस्तों तरीका था रूल करने का, वो रिलीजियो नेशनल मूवमेंट के हिसाब से चलते थे। देखिए मराठा मैक्सिमम टाइम एक्टिव कब थे, उनका ये रहता था कि भाई ये जो मुगल है इनको हमको हराना है, मुगलों को हटा देना है, अपनी सत्ता को हमको स्थापित करना है। लेकिन जिस जगह पे ये अपनी सत्ता स्थापित कर लेते थे वहां पे एजुकेशन का स्प्रेड हो, वहां के लोगों के अंदर एक यूनिफिकेशन की फीलिंग आई, वहां पे लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि भाई हम मराठा साम्राज्य के अंदर है, हम मराठा साम्राज्य के पार्ट है, इस तरीके की फीलिंग नहीं आ पा रही थी मराठा स्टेट्स में। मराठा स्टेट में ज्यादातर जगह क्या होता था कि ये अटैक मारते थे, अटैक कर करके कुछ जगहों पे जहां पे ये कब्जा कर लेते थे वहां के लीडर से बोल देते थे चौथ और सरदेशमुखी हमको टैक्स दो। तो बेसिकली इनका एक्सप्लॉयटेटिव मैनर था उस जगह पे एक प्रॉपर रूल को स्थापित करना, प्रॉपर मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लगाना, ये इनका टारगेट नहीं था। आप देखिए इस फिगर में कितना बड़ा मराठा साम्राज्य आपको नजर आ रहा है, ये जो ऊपर ऑरेंज वाला फिगर है ना, ये पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य दिखा रहा है, कितना विशाल का है, पाकिस्तान में स्ट्रेच कर रहा है, लाहौर तक पहुंच गए थे मराठा, और भैया साउथ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा तो दिख ही रहा है। उसके कंपैरिजन में आप मैसूर स्टेट देखिए नीला, ये वाला है आपका मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट भी बड़ा है बट मराठा इतना बड़ा नहीं हो पा रहा था। निजाम की जो टेरिटरीज थी वो भी बड़ी थी, हालांकि नॉर्दर्न सरकार्स वाली टेरिटरी में धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा किया, ठीक है। तो आप देखिए मराठा स्टेट एक समय पे कितना बड़ा था, 1758 एडी के लगभग की फोटो है, हालांकि 1761 एडी में क्या हुआ आपको पता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वहां पर मराठा की ताकत गिरेगी। तो एक प्रॉब्लम ये थी दोस्तों। तो आप ये देखोगे कि भले ही मराठा स्टेट शुरुआत में बढ़ा, रिलीजियो नेशनल मूवमेंट बोला गया मराठास को, रिलीजियो मतलब रिलीजन के हिसाब से वो नेशनलिज्म अपने अंदर लेके आते थे, इसीलिए इसको बोला गया रिलीजियो नेशनल मूवमेंट। तो मतलब रीजन के रिलीजन के आधार पे, यानी मुगलों से लड़ना है, मुगलों को हरा देना है, तो आप रिलीजन के आधार पे एक नेशनल मूवमेंट को लेके आ रहे हो जो कि ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, चूंकि जैसे ही अंग्रेज इनके सामने आएंगे तो अंग्रेज क्या है, वो तो वेस्ट के पैटर्न पे लड़ रहा है, डिसिप्लिन्ड है, उनको ये पता है उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग है टू द ब्रिटिश एम्पायर, इनके अंदर ऐसी कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी नहीं टू इंडिया, ठीक है। वो भी क्या है कि सेंट्रलाइज लीडरशिप है और अलग अलग इलाकों में एक बड़ी सी मराठा कॉन्फेडरेसी बन गई, जो कि मैंने बताया था बाजीराव वन के अंदर बनी थी। उस मराठा कॉन्फेडरेसी में इंपॉर्टेंट ये था कि भाई अपने अपने इलाके पे कंट्रोल रहे, ओवरऑल मराठा रूल रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई जो तीसरा कारण समझ में आता है मराठा के डाउनफॉल का, वो है लूज पॉलिटिकल सेटअप। तो
यही चीज आप कनेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कितना बड़ा अंपायर है। अब पॉलिटिकल सेटअप, अब इतने बड़े अंपायर को रूल करना है तो एक सेंट्रलाइज जगह से रूल करना मुश्किल है। तो आपको पता है कि भैया लीडरशिप पहले छत्रपति लीडरशिप थे, बाद में पेशवा लीडरशिप थे, और इन लीडरशिप्स के अंदर कौन थे? गायकवाड़ थे, होलकर थे, भोसले थे, सिंधिया थे, ये अपने आप में ही बहुत ताकतवर थे, इनकी ताकत कम तो थी नहीं। तो भले ही छत्रपति राज कर रहे हैं, पेशवा राज कर रहे हैं, और नीचे गायकवाड़ है, होलकर है, सिंधिया है, भोसले, लेकिन गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले अपने आप को लीडरशिप से कम समझते नहीं थे। तो भले ही कोर्ट में जाके शिवाजी की बात सुनते थे, बाद में पेशवा की बात सुनते थे, बट अपने इलाकों में वो इंडिपेंडेंट थे। तो अगर बात आ जाए मराठा स्टेट की, और अगर बात आ जाए अपने रीजनल किंगडम की, तो वो अपने रीजनल किंगडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे व्हेन कंपेयर टू ओवरऑल मराठा स्टेट। इसीलिए आप देखोगे कि कई बार मराठा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब अपनी गद्दी छिनती नजर आई तो वो अंग्रेजों की तरफ मिल गए। तो आप रघुनाथ राव को देख लीजिए, आप बाजीराव टू को देख लीजिए, मैंने पहले बता रखा आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो देखिए जाके। फिर आप देखोगे कि इस कॉन्फेडरेसी के अंदर, मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर भी बहुत सारे क्लैशेस रहे हैं। इस मराठा कॉन्फेडरेसी के लोग आपस में बहुत लड़े हैं। तो एक समय पे जब ब्रिटिश के जो अंपायर था, ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी, जब वो अपनी ताकत को कंसोलिडेट कर रही थी, उस समय पे जो अलग अलग मराठा प्रिंसिपैलिटीज थी वो आपस में लड़ रही थी। उस चक्कर में मराठास कमजोर होते गए और ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते गए। आगे देखते हैं, अगला जो कारण है मराठा से गिरने का वो है इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम। अगर ब्रिटेन के हिसाब से देखा जाए तो मराठा का जो मिलिट्री सिस्टम था वो ब्रिटेन के हिसाब से थोड़ा कमजोर था। तो आप देखेंगे कि मराठास में भाई नो डाउट बहुत जबरदस्त, बहुत बोल्ड, बहुत ही ज्यादा करेज था उनमें, शायद ही उनके करेज को कोई मैच कर पाए। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप फोर्सेस की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर लड़ाई में वेपन्स की बात करें, अगर एक ऐसी फोर्स जो अपने लीडर की बात सुन रही हो, डिसिप्लिन की बात करें, तो इन सब चीजों में अंग्रेज मराठाओं से ज्यादा निकल गए। फिर जब ओवरऑल एक मराठा कन्फेडरेसी बनती थी तो सिंधिया की आर्मी अलग, ठीक है, भोसले की आर्मी अलग, गायकवाड़ की आर्मी अलग, होलकर की आर्मी अलग, तो वो आर्मी अलग अलग कमांड के अंदर रहा करती थी, वो आर्मी अलग अलग कमांड्स को माना करती थी, और इन कमांड में हमेशा एक कोऑर्डिनेशन हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये अलग रूलर है, ये अलग रूलर है, इन रूलर की आर्मी अपनी बात मान रही है, इनकी बात मान रही है, इन रूलर की आर्मी इनकी बात मान रही है, इनके अगेंस्ट में कौन है? अंग्रेजी फोर्सेस है, अंग्रेजी फोर्सेस अपनी बात मान रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो रहा है कि देखिए इंग्लिश फोर्सेस का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, लेकिन जब भी कॉन्फेडरेसी में जाके एक वॉर होता था तो मराठा फोर्सेस का एक सेंट्रलाइज्ड रोल हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। प्लस ये भी बात बोली गई कि ट्रेचरी बहुत हुई, मराठास की रैंक में बहुत सारी ट्रेचरी देखने को मिलेगी, धोखेबाजी बहुत हुई। अगर किसी से नाराज हो गए और किसी मराठा किंग ने किसी को निकाल दिया अपने एम्पायर से तो वो दुश्मन से जाके मिल जाएगा, इस तरीके की चीजें बहुत होती थी। जो मॉडर्न टेक्निक्स थी वॉरफेयर की उसको मराठास ने ज्यादा डेवलप नहीं किया। वहीं पे अगर आप मैसूर को देखोगे दोस्तों, तो हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने अपनी जो मिलिट्री पावर थी उसको बढ़ाने की बहुत कोशिश की। वहीं पे अगर आप मराठास की बात करोगे तो मराठास ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की ज्यादा कोशिश नहीं की, मराठास ने अपनी आर्टिलरी पे ध्यान नहीं दिया। वैसे तो पूना गवर्नमेंट ने अपना आर्टिलरी डिपार्टमेंट बनाया पर डिपार्टमेंट ठीक से काम करता नहीं। तो वहीं पर अंग्रेजों की आप देखोगे तो अंग्रेजों के पास इस तरीके की आर्टिलरी थी। अब ये आर्टिलरी तोप गोले बरसा रही है और सामने मराठा फोर्सेस खड़ी है। अब वो मराठा सैनिक कितने भी स्ट्रांग हो पर अगर गोले आके आपके ऊपर गिर रहे हैं, बम आके आपके ऊपर गिर रहे हैं, तो कब तक आप बम से धुना लड़ोगे तलवारों से? आर्टिलरी का जवाब तो आप आर्टिलरी से ही दोगे, ये बात बोली गई। फिर आगे आती है अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। मराठा की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो थोड़ी सी अनस्टेबल थी। कैसे थी वो बताता हूं। अब देखिए टाइम बदल रहा था और टाइम के बदलने के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी को भी बदलने की जरूरत थी। तो आप देखिए इंग्लैंड में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते भाई मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई, तेजी से चीजें बनने लगी, वो चीजें इंग्लैंड वाले आके इंडिया में बेचने लगे। मराठास को ये सब नजर नहीं आया, उनको फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस नजर नहीं आई, उनको इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस नजर नहीं आई। उनका फॉरेन पॉलिसी का, सॉरी, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी का एक सिंपल एजेंडा था कि आप कहीं पे अटैक करिए, अटैक करने के बाद वहां पे कब्जा करिए, कब्जा करने के बाद वहां के रूलर से बोलिए कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आसानी से टैक्स मिल जाए। होता है ना
कि अगर मराठास किसी एक जगह को जीत रहे थे, उसके अंदर एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाते, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनता, तो जो उनका राज है वो बहुत लंबे समय तक के लिए वहां पे पक्का हो जाता। चूंकि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनता, इंडस्ट्रीज लगती, ट्रेड होता, तो उनके अंदर जो लोग रह रहे थे उनको भी पैसा मिलता, वो लोग फिर मराठा रूल के साथ खुश होते और वो मराठा रूल के साथ अपने आप को सिंबलाइज कर पाते। बट ऐसा हुआ नहीं। आगे, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज। ये क्या है? देखिए, अंग्रेजों की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो हमेशा से तगड़ी रही हैं। तो मराठाओं के बीच में फूट लगाना, ठीक है, मराठाओं के साथ के किसी को अपनी तरफ मिला लेना, मराठाओं के बीच में अपना एक स्पाई डाल देना, एक जासूस डाल देना, वो जासूस उनके नाम पे सब कुछ बातें कर रहा है, ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाते थे अंग्रेज। लेकिन मराठास ने इस तरीके के कोई स्पाइस नहीं बैठाए थे ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब भी उनकी कोई लड़ाई हो रही थी ना, तो वो एकदम इमीडिएट सर्कमस्टांसेस की वजह से होती थी। लेकिन अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज पहले से ही मराठास के सारे मूव्स को एनालाइज करते थे। तो कौन सा मराठा लीडरशिप क्या बातें कर रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, किन मराठा लीडरशिप के बीच में लड़ाई हो रही है, इन सब चीजों के बारे में अंग्रेजों को पता होता था। बट मराठास को यह नहीं पता होता था कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है। मराठा अंग्रेजों के एक्चुअल कोलोनियलिज्म को समझ नहीं पाए थे। कुछ बातें उनको समझ में आ गई थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो मराठास ने कभी भी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया, क्योंकि मराठा लीडरशिप वैसे तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनका जो एक्चुअल चेहरा था इन अंग्रेजों का, जो उनका एक्चुअल मोटिव था, उसको कहीं ना कहीं समझने में मराठास से गलती हो गई। ठीक है, तो अंग्रेजों की कमियां, अंग्रेजों की स्ट्रेंथ, अंग्रेजों की वीकनेस, उनके मिलिट्री मेथड्स, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मराठास को नहीं थी, जबकि अंग्रेजों को थी। और फाइनल आते हैं प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। ये क्या चीज है दोस्तों? देखिए, जब बात आती है प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक की, ये है दोस्तों, देखिए, रेनेसा आया, पूरे यूरोप में रेनेसा आया। रेनेसा में क्या हुआ? रेनेसा में यह हुआ कि भैया ओल्ड आइडियाज को छोड़ो, न्यू आइडियाज को अपनाओ, मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ो। तो पुरानी सोसाइटीज में क्या होता था? पुरानी सोसाइटीज में दो एलिमेंट्स डोमिनेंट होते थे, एक तो होता था किंग और एक होता था चर्च। और चर्च किंग के काम में लगातार इंटरफेरेंस करता था, यानी अगर कोई किंग डिसीजन लेगा तो चर्च के साथ डिस्कशन करके लेगा। चर्च की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। चर्च के जो पादरी होंगे उनके पास बहुत सारी ताकतें होंगी, ठीक है, तो किंग के काउंसिल में, कैबिनेट में वो कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की बड़ी सारी ताकतें थी चर्च की बात। जब रेनेसा आ गया और रेनेसा के आने के बाद पूरे यूरोप में मॉडर्न ख्यालात फैले, वो मॉडर्न ख्यालात आपके इंग्लैंड भी पहुंचेंगे, तो इंग्लैंड के लोगों में भी मॉडर्नाइज चीज आएगी। तो इंग्लैंड के लोगों में आएगा कि भाई साइंटिफिक इन्वेंशन करने, इंग्लैंड के लोगों में आएगा ट्रेड को बढ़ाना, तो ओशन वॉयज लेने लगे और कॉलोनीज पर पहुंचने लगे, तो इंडिया में भी उनकी कॉलोनी बन गई। वहीं पे आप इंडिया के लोगों को देखेंगे, और ये प्रॉब्लम के मराठास में नहीं, सारे इंडियन रूलर्स में थी। जो इंडियन रूलर्स थे ना दोस्तों, वो ओल्ड डोगमास को मानते थे, नोशंस को, चाहे राजपूत ले लीजिए, चाहे मराठा ले लीजिए, वो क्या करते थे? पुराने दकियानुसी ख्यालात को मानते थे। तो भैया अपने भगवान में मानना, पुराने लड़ने के तरीके मानना, पुरानी सोशल हायरार्की, हाँ तो भाई ये पंडित है तो ये पंडित है, ये क्षत्रिय है तो ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है तो ये शूद्र है, ये वैश्य है तो ये वैश्य है। तो मतलब आप बर्थ के हिसाब से काम दे रहे हो, आप मेरिटोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहे हो। अंग्रेजों में क्या था? मेरिटोक्रेसी। तो अंग्रेजों में अपने, ये अलग बात है कि इंडियंस को उन्होंने ज्यादा हायर पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया, बट अपने अंदर वो मेरिटोक्रेसी लगते थे। तो आप देखिए, रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क था, बट क्लर्क से प्रमोट होके वो गवर्नर बन गया। आप सोचिए किस लेवल का आप हायरार्की अपनी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपके अंदर काबिलियत हो। आप सोच सकते हैं कि मराठा लीडरशिप में कोई बिल्कुल ही सिपाही रहा और फिर वो टॉप के पोस्ट पे पहुंच गया? बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे यहां पे क्या था कि स्ट्रिक्ट नियम ऑफ ये थे कि भैया अगर बाप मरा तो बेटा ही राजा बनेगा, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एफिशिएंट रूलर भी है सामने। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सारे इंडियन स्टेट्स में, केवल मराठास में नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो भैया सारे इंडियन स्टेट्स। इनफैक्ट आप देखोगे जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे, जो कमियां मराठास की निकल के आ रही, इससे बहुत सारी ऐसी कमियां बाकी इंडियन स्टेट्स में भी थी। बट मराठास बहुत बड़े थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत ही जबरदस्त थे। इन सब कमियों को होने के बाद भी अंग्रेजों को उन्हें हराने में भैया नाको चने चबाने पड़ गए, हालत खराब हो गई अंग्रेजों को मराठास को एलिमिनेट करने में। फाइनली मराठा खत्म होते नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं सिंध की दोस्तों।
ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा यहाँ गलत मैप दिखा रखा है, ये पूरा मैप हमारा है, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि ये अक्साइचिन का इलाका इस समय चाइना कंट्रोल कर रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका इस समय पे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, इसी लद्दाख के इलाके पे यहाँ कहीं पे गलवन वैली है जिसमें पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ हो रहा है अभी के लिए, चलिए वो एक अलग चीज है। इस मैप से आपको लग जाएगा कि सिंध प्रोविंस कहाँ पे है। तो शुरुआत में और 18 सेंचुरी के अप्रोक्सीमेट जो सिंध प्रोविंस है वो ये है दोस्तों, कुछ हिस्सा इस सिंध प्रोविंस का गुजरात में भी घुसता हुआ नजर आ रहा है। ये सिंध प्रोविंस बड़ी अमीर प्रोविंस रही है, पहले भी अमीर थी आज भी बहुत अमीर है, ठीक है। पाकिस्तान में भी आप देखोगे कि जो सिंध प्रोविंस में जो लोग रहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन है, काफी पैसे वाले हैं, तो पाकिस्तान के जो ज्यादातर पैसे वाले लोग हैं वो इसी प्रोविंस में रहते हैं आके। अब ये जो प्रोविंस है इसका एरिया फिक्स नहीं है दोस्तों, घटता बढ़ता रहा है डिपेंडिंग कि कौन सा रूलर इस इलाके में राज कर रहा है। अंग्रेजों का इंटरेस्ट कैसे आया इस सिंध प्रोविंस में, देखिए 19 सेंचुरी में अंग्रेजों का इंटरेस्ट आया सिंध प्रोविंस में, क्योंकि 19 सेंचुरी आते आते जो अंग्रेजों की जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी ना वो बढ़ रही थी इंडिया में, तो अलग अलग प्रोविंसेस में वो अपने काम को बढ़ा रहे थे, अलग अलग मार्केट्स को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो रही थी। आपको पता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813-1833 में क्या हुआ, तो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो रही थी वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नए नए मार्केट ढूंढ रही थी, कहां पे जाके भाई ट्रेड करें तो हमारा पैसा बढ़े। तो 19 सेंचुरी में अंग्रेजों का इंटरेस्ट आया कि हम इस सिंध प्रोविंस में राज करेंगे, यहां पे एंट्री मारेंगे, ये सोचा अंग्रेजों ने। और एंट्री मारी उन्होंने कैसे, एंट्री उन्होंने इस हिसाब से मारी कि जब वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे 1605 में, आप बोल सकते हैं कि देखिए 1556 से लेके 1605 तक राज था अकबर का, 1605 से अप्रोक्सीमेटली 1627 तक राज था जहांगीर का। 1630 में क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए 1630 में कौन मुगल एम्परर था, उसके बाद 1630 में जो मुगल एम्परर था उसने फरमान दिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उस फरमान में ये जो सिंध प्रोविंस के जो पोर्ट थे ना इन पोर्ट पे ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन थी अंग्रेजों के पास, वो प्रिविलेज 1630 में मिला था। उस 1630 के प्रिविलेज को अंग्रेज अब 19th सेंचुरी में पोर्ट कर रहे थे लगभग 200 साल बाद, चलिए कोई बात नहीं। अब हुआ क्या कि मेन जो राज रहा है सिंध में तालपुरा अमीर का रहा है, बट तालपुरा अमीर से पहले क्या था, तालपुरा अमीर से पहले सिंध पे राज था कलोरा चीफ्स का। आपने किताब खोल रखी हुई तो पता होगा। तो देखिए तालपुरा सिंध से पहले इस सिंध पे राज था कलोरा चीफ्स का, ओके। और 1758 में एक इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी थाटा नाम की जगह है। अब ये थाटा कहां है, तो अगर ये सिंध प्रोविंस आपको नजर आ रही है दोस्तों तो ये थाटा है, जो लाल रंग का इलाका दिख रहा है ना ये थाटा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो थाटा नाम की जगह है सिंध में, इस थाटा नाम की जगह पे अंग्रेजों ने अपनी एक फैक्ट्री बनाई 1758 में। 1758 में थाटा नाम की जगह पे फैक्ट्री बनाने की परमिशन किसने दी, तो एक कलोरा प्रोविंस था जिसका नाम था गुलाम शाह प्रिंस, तो एक कलोरा शहजादा था प्रिंस था गुलाम शाह। गुलाम शाह ने 1758 में अंग्रेजों से कहा आप अपनी फैक्ट्री बना दो, उसने परवाना इशू किया। इनफैक्ट गुलाम शाह ने यह भी बोल दिया कि हां भाई 1630 में जो फरमान दिया था मुगल एम्परर ने इन अंग्रेजों को वो फरमान सही है, और यूरोपियंस यहां पे अपना काम कर सकते हैं, अपना धंधा वगैरह कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो अंग्रेजों को काफी समय तक 1758 से लेकर लगभग 1775 तक यहां पे अंग्रेज ट्रेड करते रहे। इस समय पे अंग्रेजों ने अपने आप को यहां पे जकड़ के रख लिया, अंग्रेजों ने अपने आप को यहां बहुत स्ट्रांग कर लिया। प्रॉब्लम आएगी 1775 में। 1775 में एक दूसरा आप कह सकते हैं कलोरा चीफ था जिसका नाम था सरफराज खान। सरफराज खान ने क्या किया, सरफराज खान ने अंग्रेजों से बोला तुम अपनी फैक्ट्री करो बंद, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है, मैं तुम्हारे राइट्स को कर रहा हूं रिवोक। तो देखिए पहले का जो रूलर था गुलाम शाह उसने अंग्रेजों का फैक्ट्री बनाओ ट्रेडिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी जो मुगल एम्परर के साथ 1630 में ट्रीटी साइन हुई थी उसको मानता हूं। बाद में सरफराज खान आए 1775 में, उसने बोला मैं नहीं मानता हूं निकलो यहां से। फिर यहां पे इस इलाके में एक ट्राइब बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने लगी, वो थी बलूच ट्राइब। अब बलूचिस्तान का जो इलाका है, यहां पे मैं मैप डालना भूल गया हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बलूचिस्तान सबसे बड़ी प्रोविंस है इस समय पाकिस्तान की। बलूचिस्तान से एक ट्राइब थी जिसका नाम था तालपुरास। 1770s में ये तालपुरा नाम की जो ट्राइब थी
वो इस इलाके में आके सेटल होने लगी। खासकर ये जो सिंध का जो इलाका था, इसमें ये तालपुरा नाम की जो ट्राइब थी वो आके सेटल होने लगी। धीरे धीरे इस ट्राइब ने अपने आप को इस इलाके में सेटल करना शुरू किया। तो इनके सोल्जर्स भी अच्छे थे, इनको हार्ड लाइफ की आदत थी, बहुत टफ लोग थे। इन्होंने अपना राज स्थापित करना शुरू किया। और आप देखोगे 1783 में, 1783 आते थे, एक लीडर था जिसका नाम था मीर फतेह अली खान। मीर फतेह अली खान, इसको फात अली खान भी बोलते हैं, किताब में देख लीजिए नाम लिखा हो। तो मीर फात अली खान, मीर फतेह अली खान ने अपने आप को गद्दी पर बैठा दिया, किसकी? सिंध की। तो 1783 में सिंध की गद्दी पर कौन बैठा? फात अली खान। पूरे के पूरे सिंध पे तालपुरा का कब्जा हो गया और कलोरास को हटा दिया गया। अब आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है दोस्तों पाकिस्तान का, इसके ऊपर दुर्रानी एम्पायर का काफी वो जोर चलता था। आपको पता ही है 1739 में क्या हुआ, 1761 में क्या हुआ। तो अफगानिस्तान का जो दुर्रानी एम्पायर था, इस दुर्रानी एम्पायर का काफी जोर चलता था इस पूरे इलाके पे। तो जब दुर्रानी को यह पता चला कि भाई ये मीर फतेह अली खान यहां पर बैठ रहा है और बलोची था और बलोचियों के साथ थोड़ी उसकी अच्छी सांठगांठ थी, तो दुर्रानी एम्पायर ने बोला कि चलो ठीक है, अगर मीर फात खान बैठ रहा है सिंध की गद्दी पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने बोला कि मीर फात खान अपने चार भाइयों के साथ मिलकर इस जगह को चलाए। तो मीर फात खान और उसके ब्रदर्स को बोला जाता था चार यार। तो मीर फात खान और उसके ब्रदर्स थे चार यार, ये चार यार मिलकर इस हिस्से को चलाने लगे। दुर्रानी ने यह बोला, ठीक है, कि दुर्रानी मोनार्क जो था उस समय पे, उसने ये बोला कि भाई ठीक है, इस पूरे सिंध के प्रोविंस को तुम चार बराबर बराबर हिस्सों में बांट लो, इसको चलाओ। ठीक है भाई, 1783 से लेकर 1800 आ गया, 1800 में मीर फात खान की मौत होगी। जैसे ही मीर फात खान की मौत हुई, ये जो भाई थे मीर फात खान ने, इसने पूरे सिंध प्रोविंस को अपने अंदर बांट लिया और अपने आप को क्या बोलने लगे, अपने आप को बोलने लगे अमीर। अमीर का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ सिंध। अमीर आप समझ सकते हो ना दोस्तों, अमीर मतलब रिच। और इन्होंने बोला अपने आप को, हम अमीर से यहाँ के, हम लॉर्ड ऑफ सिंध है। और इन्होंने अपने इलाके को फैलाना शुरू हुआ। फिर उन्होंने एक्सटेंशन शुरू किया, तो अपने आप को ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया। तो कराची पे कब्जा किया, जोधपुर पे कब्जा किया, बुक्कार पे कब्जा किया, शैकरपुर पे कब्जा किया। धीरे धीरे ये लोग एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड लेके आएंगे, इधर उधर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसके आगे क्या होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। अगली वीडियो में बात करेंगे ग्रेजुअल एसेंडेंसी ओवर सिंध, फिर ट्रीटी ऑफ 1832, लॉर्ड ऑकलैंड का यहाँ पे क्या रोल रहा, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी क्या थी 1838 की, सिंध ने कैसे सब्सिडरी अलायंस को लिया, कैसे सिंध फॉल हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों, कैसे सिंध का कॉन्क्वेस्ट किया अंग्रेजों ने। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितना आसान तरीके से हो सकता है, जितना ज्यादा मैप्स के साथ हो सकता है, उतना ज्यादा मैं चीजों को आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको मजा आ रहा हो, मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें दोस्तों। जितना ज्यादा लोग इसको देखेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।